देख सकते हैं म्यूजियम, चलते हैं इसके अंदर। देखते हैं और भी पंछी, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पंछी। ये किसका चित्र है भाई, ये देख लीजिए। बनता था ऐसे, ये पहले जमाने के हैं लोग। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए पटना म्यूजियम, तो आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का कुछ नज़ारा, तो आप लोग देखने के लिए रेडी हो जाइए। हम और ये उत्तम साथ में हैं, चलिए अंदर देखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर अब चलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये पटना म्यूजियम। इधर से ये टिकट यहाँ का मिला 15 रुपये का, तो देख सकते हैं। और मोबाइल के लिए अलग से टिकट मिल रहा है, इसमें मोबाइल अलाउ करने के लिए 20 रुपया। जितना आने का नहीं लग रहा है अपने ना, उतना मोबाइल का लग रहा है। जितना एक आदमी का नहीं लगता है उतना मोबाइल का 20 रुपया, देख सकते हैं ये। और ये हम लोगों का 15 रुपया। ये है देख सकते हैं म्यूजियम, चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ। इसमें फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन जब मोबाइल लेकर आएंगे तो इसमें उसका 20 रुपया अलग से चार्ज है। यहाँ पे देख सकते हैं पुराना एकदम तोप पड़ा हुआ है। इसके अंदर जाने का रास्ता ये है, तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। इसके अंदर और देख सकते हैं, इधर इतना अच्छा दिख रहा है ये, इधर से भी देख सकते हैं। इसमें कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें चलते हैं पहले। शेर तेंदुआ कुछ देखते हैं, नया नया जानवर। तो ये देखिए गाइस, इधर से देखते हैं, आओ तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ तितलियों का, बहुत पुराना तितलियों का, अलग अलग वैरायटी है यहाँ पे उपलब्ध, जो देख सकते हैं। क्या ये कितनी बड़ी बड़ी तितली है, इंडिया की है। और ये देख सकते हैं, और ये फल है, ये कौन सा सब्जी है? सब्जी में फल, सब्जी में मिट्टी के फल है। कृष्णा नगर बंगाल से आधुनिक काल से मिले हैं ये। और ये बैगन है, बैगन है तो बैगन, बैगन बोलते हैं उसको, बैगन। ये खीर है, कच्ची खीर, कच्ची बोलते हैं इसको, पनवा नहीं, पनवा है, तरबूज, तरबूज। आई केला सूखल रख, सूखल केला, आई सूखल अनार, सूखल संतरा, सिल्वर का पेड़, सिल्वर देखो, सिल्वर, सिल्वर आई कह जाओगा, सिल्वर हो रखा है इसमें। आई देखिए, आई टूटा हुआ केला, लीची है, लीची, आई सब देख लीजिए फल में, ऐसे नारियल और सिंघाड़ा और अंगूर है और मरचा है वो। ये देखिए भालू कैसी देख रही है, जिंदा है? नहीं नहीं जिंदा है। आई देखिए कौन सा जानवर है जी, आई सिंह देखिए, आई देखिए बहुत बड़ा सा बैल, बहुत बड़ा सा बैल देख लीजिए। और ये देख लीजिए, सियार मर गया, सियार है, मरा हुआ, मरा, सब मरा हुआ है ना, उसको मसाला लगा कर सब रखा गया है। ये देखिए हड्डी सिर्फ बचा है, पता नहीं किसका है। आई देखिए छोटी को, कितना छोटी को है जी, आई का है। ये देखिए, और ये देखिए कुछ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। इतने वाला है, ये बकरी का बच्चा है, दो दो को, चार को पैर वाला, पता नहीं। आई देखिए बाघ है, बाघ, ओरिजिनल वाला बाघ देख सकते हैं। और ये देखिए चूहा, 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 यहाँ पे चूहा है, इधर भी चूहे हैं, इधर भी गौरैया चिड़ई, यह है गौरैया, देख लीजिए।
और ये पक्षी को देख सकते हैं, ये हिरन। एक मगरमच्छ को दिखाते हैं आपको, बहुत बड़ा सा मगरमच्छ और चमगादड़ है ये। आपको मगरमच्छ दिखाते हैं बड़ा वाला, ये है बहुत बड़ा सा घड़ियाल है, ये मगरमच्छ नहीं है, घड़ियाल देख सकते हैं कितना बड़ा सा है, इतना बड़ा घड़ियाल है, इस यार ऊपर है, ओह देखिए ये देखिए, ये टिकट ले रहे हैं मोबाइल का, टिकट देख रहे हैं, हम लोग टिकट ले लिए हैं, तेंदुआ है ये, तेंदुआ। और ये सब पंछी हैं, देख सकते हैं आप लोग पंछी, और ये देख सकते हैं और भी पंछी, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पंछी। ये पैरट है, तोता, सब ये तोता है, घड़ियाल है। हाँ ये देखिए, ये देखिए अंडा है इसका, ये है इसको क्या बोलते हैं, याक, याक है ना इसका, इतना बड़ा बड़ा। ये गौरैया चिड़ई, चिड़ई चिड़ई चिड़िया। चलिए अब आगे चलते हैं अगले वाले में, तो इसमें आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं अगले वाले रूम में और आगे आपको दिखाते हैं। इसमें से बहुत से जानवर थे सिर्फ, और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं ऊपर, और भी कमरे भी दिखाते हैं आपको पुराने। दूसरे वाले कैमरे में अलग होगा, इसमें देख लिए पूरा, इधर पेंटिंग था।
ऊपर नहीं, मतलब इसके ऊपर, और नीचे का घूम लिए हैं। चलते हैं यहाँ से सीढ़ी लाने के लिए थी, अब यहाँ से सीढ़ी पकड़ कर चलते हैं ऊपर, और ऊपर वाले कमरे में घुस सकते हैं। चलिए आप लोग भी रेडी रहिए, चलिए ऊपर चलते हैं, कुछ दिखाते हैं। सीढ़ी पकड़ कर जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने के बाद आपको दिखाएंगे। चलिए कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा आपको। सीढ़ी पकड़ कर जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जाने के बाद आपको एंटर करेंगे। इस वाले में करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए आ गए हैं जी, ये वाला में देख सकते हैं, ये नेपाल की कला, ये धातु शिल्प दीर्घा, मतलब बहुत पहले की कला है। जैसे ये किसका चित्र है भाई, ये देख लीजिए, तिब्बत मुखौटा, तिब्बती मुखौटा, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, मुखौटा है ये देखिए, लोहे का बना हुआ है सब, लेकिन बहुत पुराना है सब। इसमें ये भी देख सकते हैं, ये तो दिखता है, इसका नाम क्या है, सहस्रभुज महाप्रत्यंगीर, ये देख सकते हैं। इधर भी देख लीजिए, इधर देख लीजिए, हाँ ये देखिए, मस्त दिख रहा है, नहीं छोटा है फिर भी। ये देख सकते हैं, ये है कमलासन पर बैठे हुए भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है जिसे आप देख सकते हैं, ये कमलासन में बैठे हुए हैं, ये भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, भगवान बुद्ध की ही इधर प्रतिमा है। इधर देखिए आप लोग, और ये है कुछ देवी जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें पढ़ने पर पता चलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, इधर भी देख सकते हैं, इसमें प्रतिमा है सभी, चारों तरफ इसमें प्रतिमा है जिसे आप देख सकते हैं। इधर मतलब दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं पूरा एकदम मस्त, ये देख सकते हैं। अच्छा यहाँ भी देख सकते हैं, काली माँ है, पता नहीं पहले का मूर्ति है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्या है, पर आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये जो मूर्तियाँ इधर रखी हुई हैं, इनके बारे में यहाँ पे इन सबका वर्णन है, इनके बारे में यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, हिंदी, इधर हिंदी है, इधर इंग्लिश है, और यहाँ पर है जो इसका इधर है। चलिए इधर देखते हैं, और ये देखते हैं भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा इधर यहाँ पे है। यहाँ पे देखने के बाद ये देख सकते हैं, ये भी प्रतिमा है इधर, इधर देखने के बाद उधर भी है, तो ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा है, ये वाला, ये हरा गौरी, ये अग्नि, ये मिस्त्री है कि फिटकारी कुछ है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, हम लोगों को उसके बारे में नहीं जानकारी है कि क्या है वो, तो इसलिए हम लोग नहीं बता सकते क्या है, पर हर जगह वो रखा हुआ है, कुछ होगा देख सकते हैं, सब में है। ये क्या है, बस इसमें इतना ही था जिसे आप लोग देख लिए, इस कमरे में इतना ही था, तो चलिए अब चलते हैं अगले कमरे में, यहाँ पे कुछ पिक लेना चाहोगे तो ले लेते हैं। अब चलते हैं इस वाले में, देखते हैं क्या है, ये देखिए, ये है मूर्ति, कुछ है, समझ नहीं आ रहा, जिसे आप लोग देख सकते हैं, अच्छा से नहीं दिख रहा था, और ये देख सकते हैं
बेतिया राज से प्राप्त सज्जा कला के नमूने पढ़ सकते हैं लोग। और भी इधर चलते हैं, ये देखिए यार ये क्या है, क्या है ये, यहाँ पे देखिए अजीब अजीब सी कलाकृति है। चीनी बुढ़िया आधुनिक बेतिया राज से प्राप्त विचित्र चीनी मिट्टी पात्र। ये देखिए पार्वती, पार्वती से प्राप्त है, सब बेतिया से प्राप्त हैं, इधर देख सकते हैं ये बेतिया से मिला हुआ है। और इधर आ जाओ, तुम आओ, ये देखिए पानी पीने वाला गिलास, लोहा शीशा का घंटी शीशा का घंटी है, उधर मत जाओ बंद है ना, जान दो ला इसमें चले। इधर भी देख सकते हैं, पत्थर है ये तो, हाँ पत्थर नहीं, बहुत पहले का पत्थर है। भित्ति चित्र भीम बेटका मध्य प्रदेश, भीम बेटका से मिला हुआ है, इसे देख सकते हैं मध्य प्रदेश में। और ये है कहाँ पे है, ये भी भित्ति चित्र कौवा कोल नवादा बिहार से मिला है। ये पत्थर पे बनी मूर्तियाँ हैं, स्पष्ट नहीं दिख रही हैं ना, ये देख सकते हैं ये है। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र से मिला है, अजंता की गुफा से। और ये त्रिभुजाकार बना हुआ है, बैठने के लिए है शायद, हम तो घूम थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे यहाँ पे। इधर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे पिक ले रहे हैं, इसमें तो पार्शियन पेंटिंग, पार्शियन पेंटिंग यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ब्लैक ब्लैंक ब्लैंक। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। ये है मुगल कालीन मुसवीर खाना चित्र बनाने का कार्यशाला, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र पहले ऐसे बनता था, ऐसे ये पहले ज़माने के हैं लोग। ये चित्र बनाया है अकबर का है कि हुमायूं का, चित्र बनाया है देखिए, चित्र बनाया है ना अकबर या हुमायूं का, हमको नहीं पता लग रहा है किसका होगा। इधर भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देखिए, बस इतना ही था इसमें। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले कैमरे में, कुछ पिक ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर फोटो लेने रखा है, ये अच्छा वाला लग रहा है यहाँ पे, ये देखने में कुछ अच्छा लग रहा है तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग पिक लेंगे। तो चलिए इसका फोटो ले लेते हैं उत्तम का। अब चलते हैं अगले दरवाजे में, यही वाला था ना उधर से, ये देखिए दो दानव, दानव हैं पहले ज़माने के कुछ हैं, और सोल्जर हैं सैनिक हैं वो भाई। ये देखिए ओरिजिनल वाला गन पहले ज़माने वाला, यही वाला से मारता है ना, ये देखिए तलवार है, यही वाला से मारता है ट्रिपल आर में, ट्रिपल आर वाला गनवा यही है।
उसको। ये भी देख सकते हैं। अच्छा ये वाला त्रिपल आर में देखे होंगे, बहुत पहनता है टोपी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रयुक्त सशस्त्र वर्ल्ड वॉर, यहाँ देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी समय का यह सब हथियार है। जले हुए गोलों के अवशेष, बारूद है वो दादा, ये सब देख सकते हैं। ये गोला फिल्म में देखने को मिलता है, वही वाला है, ये सब ओरिजिनल वाला है। ये देखिए इसमें भी रखा हुआ है वो। ये देखिए पहले के ज़माने के लोग आदिवासी हैं। इसमें चमक रहा है, शीशा पे रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। ये देखिए पहले का बबुआ ऐसा होता था। ये देखिए पहले के, ये बांस है, बांस का कुथड़ है नहीं, बांस का कुथड़ रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत पहले वाला खेती हो रहा है। ये देखिए बैल से खेती हो रहा है यहाँ पे, शीशा से ना लाइट आ जा रहा है इधर। ये है कुछ, ये बड़ा सा, ये देख सकते हैं कुछ है, लाइडल है, कलछुल है, ये पहले ज़माना का कलछुल हथियार। ये देखिए लकड़ी का हथियार, ये वाला। ये देखिए वही वाला है ना, अरे कितना स्पष्ट दिख रहा है ना। ये देखिए ओरिजिनल का लग रहा है यार। ये देखिए बबुआ के, देखिए धान कर रही है, धान कर रही है उखली में। पहले का उखली नीचे होता था, कहा जमीन के पता नहीं। अरे देखिए पहले ज़माने का धान है। ये देखिए आदमी है पहले ज़माने में, दिख रहा है स्पष्ट। ये देखिए पहले का घर। घर में लाकर मछली रखा है। ये देखिए तो यहाँ मछली रखा है, यहाँ मछली रखा है लाकर। सिधारी इंसान सिधारी। ये देखिए झोपड़ी, पहले ज़माने में झोपड़ी यूज। चलते हैं यहाँ पे, इधर जाने के बाद ये वाला मस्त दिख रहा है। तो नहीं इसमें क्या है ये पता नहीं किसका है। और यहाँ पे सारे नहीं है ये वाला। हाँ टिकट लिया है मैं, इनका सर ही नहीं है, ये क्या है। और इधर देख सकते हैं ये बिना सर वाला आदमी, इधर का पूरा घूम लिए हैं। अब चलते हैं आगे वाला घूमेंगे, आगे घूमिए तो आपको दिखाएंगे आगे वाला। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने, आप भी देखते रहिए। यहाँ पे कुछ पिक ले रहे हैं, फ़ोटो लेने के बाद आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। अभी इधर का पूरा घूम लिए हैं, यहाँ उत्तम का फ़ोटो लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे चलते। ये वाला देखिए इसमें नया वाला एंट्री, इसमें तो खाली तस्वीर लगा हुआ है, इसमें कुछ है पता। न्यू लागे और हर तरीके का नाम है, पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे ऐसे नाम है इसमें। ये देखिए इधर देखिए, उत्तम ये वाला क्या है, किसी को पता है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आप लोगों को किसी को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। सिर्फ देखिए ना, हम बता सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। उनको पता होगा तो महापंडित राहुल पंडित समझ सकते हैं। ये कौन सा लिपि है, ये कौन सा लिपि है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा भाषा में। चलते हैं सर, ये बुद्ध भगवान की तस्वीर है। ये लो जाऊंगी ऐसे आ, लो जाऊंगी ऐसे आ, ये क्या है? ये बहुत ही प्रतिमा बना हुआ है। ये कौन कौन सी चीज लिखा हुआ है इसका नाम? ये फिर से आ गए इस वाले ग्राउंड में। अब यहाँ से चलते हैं इधर, इधर का हम लोग ने पूरा घूम लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उधर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम लिए हैं। अब चलते हैं इस वाले में घूमने के लिए। चलते हैं, इंटर करते हैं यहाँ से, इस गेट से यहाँ से करते हैं और ऊपर आपको चलकर दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए अब चाहूँगा कि थोड़ा छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ। गाइस पूरा घूम लिए हम लोग, अब थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। पूरा घूमने के बाद गाइस हम लोग थक गए हैं, अब यहाँ पे आराम करते हैं। आराम करने के बाद अब जो उधर का दिखाया आपको बिल्डिंग, उधर का नहीं खुला है गेट, उधर घूमने नहीं दिया गया है, मतलब उधर बंद है पहले से ही। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे बाहर, देखते हैं आगे गेट पर निकल कर, और यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे बाहर। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा ये नज़ारा है, यहीं पे बैठे हैं हम लोग। ये उत्तम, हाँ ये उत्तम है, और इधर हम हैं जो नहीं दिखेंगे आपको। तो बस यहाँ पर आराम करने के बाद अब निकलते हैं बाहर, तो आपको कुछ दिखाएंगे, दिखाने लायक होगा बाहर का, तो उसके बाद चलेंगे। आप लोग देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इस प्रकार से दिखेगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस पे, और यहाँ से इधर ये दिखेगा, इधर ये दिखेगा, इसका पार्क जैसा कुछ एरिया। और ऊपर मौसम भी देख सकते हैं, थोड़ा बादल छाया हुआ है और काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से ये नज़ारा दिखने में भी अच्छी, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से इंटर करेंगे हम लोग, यहाँ से करके इंटर गए थे, पूरा देख चुके हैं। अब बाहर निकलने का समय आ गया है, तो यहाँ से अब अंतिम बार सोचे कि इधर से दिखा दें आप लोगों को। यहाँ से आने के लिए रास्ता इधर से था, यहाँ से आए हैं, और इधर से अभी कुछ काम चल रहा है इसमें, तो बंद था इधर को लगे, जो इधर था इधर का बंद था। तो आप लोगों को अगर ये टूर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।